हेलो दोस्तों, आज हमारा फिर से न्यू वीडियो दोस्तों, लेटर क्लासिफिकेशन चैप्टर यानी वर्गीकरण चैप्टर है दोस्तों। चाहे दोस्तों हम शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर चुनिए। ऑप्शन वन है डी सी एफ जी, ऑप्शन टू एफ ई एच आई, और ऑप्शन थ्री एच जी आई के, ऑप्शन फोर जे आई एल एम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना समय बिताए से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है डी ई एफ और यहाँ जी। ठीक है दोस्तों, यानी फर्स्ट का, ये देखिए दोस्तों सेकंड है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें कितना का डिफरेंस होता है। अब देखिए दोस्तों सी के बाद यहाँ पर माइनस वन कर रहा है, सी के बाद डी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस हो रहा है यानी थ्री, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों एफ के बाद फिर जी। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या करा है, तो एफ, एफ के बाद क्या है ई, ई के बाद एच, एच के बाद आई। ठीक है दोस्तों, यानी सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ई के बाद एफ माइनस वन। ठीक है, फिर ई के बाद ए एफ जी एच। ठीक है दोस्तों, यानी प्लस थ्री, फिर एच के बाद आई, ये प्लस वन। ठीक है दोस्तों, सेकेंड है दोस्तों, थर्ड एच, एच के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद के। ठीक है, ये थर्ड है। अब देखिए दोस्तों यहाँ जी एच, ठीक है दोस्तों, एच के बाद माइनस वन, जी के बाद एच। ठीक है, फिर आई जे के एल, यहाँ पर प्लस टू हो गया दोस्तों, आई के बाद जी के बाद आई। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है आई के बाद माइनस टू यानी के। ठीक है दोस्तों, फिर थर्ड हो गया दोस्तों, फोर्थ है जे। ठीक है दोस्तों, जे के बाद आई, आई के बाद एल, एल के बाद एम, यानी फोर्थ का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फोर्थ हो गया, यानी आप इसमें दोस्तों जे के बाद आई जे यानी माइनस वन। ठीक है, फिर आई जे के एल प्लस थ्री। ठीक है दोस्तों, फिर एल के बाद प्लस वन एम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, है ना, बहुत ही बेहतरीन था, थोड़ा सा समझने। देखिए दोस्तों, अब देखिए सभी में डिफरेंस, ये सभी माइनस है दोस्तों, यहाँ पर भी थ्री है, यहाँ देखिए प्लस टू, प्लस वन, प्लस टू, लेकिन इसी में डिफरेंस है दोस्तों, तो आपका थर्ड वाला राइट ऑप्शन है। तो कह सकते हैं दोस्तों एच जी आई के, ठीक है दोस्तों, इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यानी थर्ड वाला आपका राइट आंसर, यानी आपको थर्ड वाला राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेड वी आर एन यू जी एम जे एस ओ के जी टी पी एल एच। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इसे देखिए दोस्तों जेड के बाद वी, वी के बाद आर, आर के बाद एन। ठीक है दोस्तों, यानी फर्स्ट ये हो गया माइनस फोर। ठीक है दोस्तों, वी के बाद फिर आर है तो ये भी माइनस फोर, और आर के बाद माइनस फोर एन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, फिर यू, यहाँ पर यू हो गया दोस्तों, यू, यू के बाद क्यू, क्यू के बाद एम, एम के बाद जे यानी सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यू हो गया, ये यू के बाद माइनस फोर। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर क्या है दोस्तों, फिर क्यू तो -4, और एम के बाद एन तो -3, ये हो गया दोस्तों। थर्ड है दोस्तों एस, एस क्या हो गया, ओ के बाद के बाद जी, यानी थर्ड हो गया। ये देखिए दोस्तों, एस के बाद -4, ओ के बाद -4, और के बाद ये -4, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, टी फोर्थ वाला, टी के बाद पी, पी के बाद एल, एच यानी फोर्थ हो गया दोस्तों, ये भी -4 दोस्तों, ये भी -4, और एल के बाद एच -4, ठीक है दोस्तों। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों। तो अब देखिए इसमें सभी में -4 है मगर इसमें 3 है, ठीक है दोस्तों। ये सेकेंड वाला आपका, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन सेकेंड इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन टू लिखिए दोस्तों इज ए राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।